मेरा बहुत क्लियर है, ऐसे अपराधियों को मरना चाहिए। जरूरत है भी, सरकार ने यदि दियारा की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ा और न्याय नहीं दिया तो हम मनिहारी से दियारा की आजादी मुंगेर तक पैदल जाएंगे। जिसकी जमीन होगी अधिकार उसी का होगा, जाति कोई हो, जिसका फसल हो काटेगा वही। हमने तो भैया कल, मैं पागल हो चुका कि पहली बार जाति पूछ करके मारना और घर ढुकना, ये दुनिया के हिस्ट्री में सामाजिक न्याय की गवर्नमेंट, महागठबंधन की गवर्नमेंट, गरीब दलितों की A to Z की गवर्नमेंट बोलने वाले हम लोग, जब हम जो सबकी सुरक्षा करता है उसकी सुरक्षा नहीं कर पाइएगा नीतीश जी, मैंने कल कहा, तो फिर बचेगा कौन? यदि मोहन ठाकुर पर सरकार कार्रवाई नहीं होगा, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, दो ही बात हो। चैलेंज है मेरे लिए कि मैं आज आपको बता दिया, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं, और जो गवर्नमेंट उसको मारेगी उसको 2 लाख इनाम देंगे। इस जब बाघ की हत्या हो सकती है, पागल हाथी की हत्या हो सकती है, तो फिर पागल आदमी की क्यों? जो आदमी इंसानियत के लिए खतरा हो उसको क्यों नहीं? किसी जाति को आप सूचक करके गाली कैसे दे सकते हैं? किसी जाति, कोई जाति, और जाति का करके आप किसी के घर कैसे ढूंढ सकते हैं? 7 लाश नहीं मिली अभी तक, आज तक। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।